सर नाराज मत हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको इस दौरान उन्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी। दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। धमकी देने के लिए फोन किया मैंने? पहले भी उसे बात करने के लिए कभी कभी फोन करता था ना। अगर फोन कर लिया बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो क्या बुरा किया मैंने? सर वो हर जगह पता नहीं क्या क्या बोलती फिर रही है, और आपकी तरफ से एक जवाब भी नहीं गया है, नो स्टेटमेंट एट ऑल, जो कि जरूरी है, नहीं तो सब यही समझेंगे कि आप। मैं गिल्टी हूं? एक काम करो, तुम मेरी तरफ से स्टेटमेंट लिखो। आई डिनाई ऑल सच एलिगेशंस एंड आई एम रेडी टू चैलेंज देम। आर यू? हाय अली, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। बात सुनो, तैमूर आएगा आज, उससे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लो। जाओ। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ वो एक्सटेंशन के लिए। हाँ वो इस बारे में बात करनी थी। यार ये जो अभी सीरीज का काम है ना, इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो समझो ये स्पेल इज डन, इट्स ऑल डन। लेकिन मेरे तो अभी काफी सीन्स बाकी थे, अब नहीं है, कुछ चीजें आगे पीछे हुई हैं, वो हो जाएगा यार, डोंट वरी अबाउट इट। क्या मतलब? मैंने तुमसे डिस्कस करके सब कुछ प्लान किया था, 2 महीने बाद की डेट्स लॉक की थी। यार हटा दो ना उसको वहां से। अली देख सलार, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब कुछ भी होता है ना पूरे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट होता है, स्पेशली उसका टीम पे भी इफेक्ट पड़ता है, एंड अल्टीमेटली आई थिंक द प्रोड्यूसर्स दे वांट टू रिप्लेस यू, सो ये भी सोच, प्रोजेक्ट में होने से बैड रिव्यूज आ सकते हैं यार।
और क्या कह सकते हैं। रोल कीजिए। हो गया शुरू तमाशा। बाबा, मामा अपना सामान इस कमरे से क्यों हटा रही हैं? आई डोंट नो बेटा, मे बी वहां सफाई होने वाली होगी। क्या करिए, बच्चों के सामने ये सब करना जरूरी है क्या? इट्स नॉट माय फॉल्ट एट होम। वैसे भी अभी उन्हें पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। बाबा, आज आप शूट पे जाएंगे? नहीं बेटा, शूट पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड लेके जाऊंगा, ठीक है? बी हैप्पी बेटा, योर बाबा विल बी होम अ लॉट मोर नाउ। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, भाई की हेल्प करो, जाओ। हाँ, मैं लेके जाऊंगा, जाओ चलती जाओ। तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स भी कमाल है। जब इतना चिढ़ चुकी हो, बच्चों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर दुनिया के सामने भी यही चेहरा रखो ना। क्यों सलार, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी रेप्यूटेशन है। इनफैक्ट अब तो तुमसे ज्यादा बेहतर हो गई है ना। वैसे भी छोटा होने से बेहतर है कि मैं दोगली ही रहूं। तुम ही से सीखा है। ये वही है ना? हाँ वही है। हैरत की बात है, अपना दिल चाहे तो जैसे दिल चाहे कपड़े पहन लेती हैं, बातें हैरेसमेंट की करती हैं। ऐसे कपड़े पहन के आएंगी तो कौन नहीं छेड़ेगा? वही तो। एक्सक्यूज मी जी, वो कुछ कह रहा है जी? क्या कह रहा है? आपकी सोच। Thank you.
इसका करियर तो गया। अरे बॉस आपको कुछ नहीं होगा। दो बड़े प्रोजेक्ट है आपके पास, फिक्र की क्या बात है? मुझे लग रहा है ये तो फंस गया। अरे तेरे पास तो बहुत काम है, डोंट वरी बडी। सर आप बताएं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय हमें चाहिए, आपकी राय क्या है? देखें मेरी बात सुने, हम आखिर कब तक चुप रहेंगे बताइए, आप बताइए मुझे। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, गली मोहल्ले और ये हमारी इंडस्ट्री काफ महफूज है हमारी, और कहीं महफूज है? नहीं है महफूज। सर क्या आप सरे आम सलार अहमद को जो है कंडेम करते हैं? देखे मैं हर उस आदमी को कंडेम करता हूँ जो औरत को अपनी जागीर समझता है। मेक दिस योर हेडलाइन फ्रंट पेज। मेरा यही मानना है, आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक होगा ये सब कुछ? हमें ही आगे बढ़ के आवाम की आवाज बनना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हाँ कि देखें कोर्ट में उसके ऊपर केस चलना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर अभी कोई जानता भी नहीं यहाँ हुआ क्या है। अजीब बात कर रही हैं आप, मतलब आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है? कुछ तो हुआ है, कोई भी औरत ऐसे तो नहीं बोलेगी कुछ भी, समझ रहे हैं? लेकिन सर आप बता सकते हैं ये हादसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ है? सर सर प्लीज, आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम है, आप लोग चाय पीजिए। मैं बंजर सितारा यहाँ, अंधियारी रातें यही रोशन जहाँ, गुम है कहाँ है टूटा हुआ राबता, बेजर है हर रास्ता, सब ठीक तो है ईमान? हाँ बस ऐसे ही। Just this song. कुछ गाने गाने नहीं होते, मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंस होता है। तुम लोगों की बातों से परेशान हो ना, उनके सवालों से? नहीं, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। क्या लगता है तुम्हें, ये सब बोलने से पहले मैंने ये बात कई दफा सोची नहीं होगी? अच्छा आज प्रोड्यूसर्स बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में। यू मीन बिचिंग? नो नो, तुम्हें एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। सब ठीक है ईमान, दिल छोटा मत करो। एंड यू नो इफ यू एवर फील लाइक टेलिंग मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट डे, यू नो आई एम ऑलवेज हियर टू लिसन। हाँ आई नो यू आर। अरे गाना तो चेंज करो। वेलकम बैक, यू वॉचिंग हार्डलाइन विद मुदस्सिर। जी एस फनियाल साहब, पहले इसको बोले मेरे बीच में बात ना करें। सोनिया जी प्लीज आप लोग एक एक करके बात कीजिए। तो मैं बात क्यों ना करूं? अरे तो बात तो ना काटे ना मेरी। देखिए एक तरफ तो ये औरत के हुकूक की बात कर रहे, दूसरी तरफ ये औरत से ही कैसे बात कर रहे हैं। देखें हम लोग जो है मुद्दे से हट रहे हैं। अरे मुद्दे से कहां हट रहे हैं, हम तो इंसानियत के तमाम तर तकाजों से हट रहे हैं। मेरी भी माँ बहन है, मैं भी शौहर हूं, मैं भी किसी का बेटा हूं। औरत चाहे जिस भी तबके की हो, जिस भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, उसका दर्द मैं अपना दर्द समझता हूं। ठीक है जी, बैक टू द पॉइंट, क्या सालार खान को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल, बुलाएं अपने शो पर, पूछें उनसे। पहम आप क्या एक्सपेक्ट करिए, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जब वो कुछ नहीं कह रही तो जिन्होंने किया वो क्या कहेंगे? तो ये तो शराफत है ना उस लड़की की। मैं तो कहता हूँ कालिम,
call him and ask him for the justification. जो please आप उर्दू में बात कीजिए. हाँ तो नंबर दे मुझे सालार का, मैं उससे बात करता हूँ. हमारी इंडस्ट्री जो बड़ी मुश्किल से अभी अपने पैरों पर खड़ी हुई है, उसको किसने हक दिया है कि उसको बदनाम करे? अच्छा आप थोड़े ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं. खवातीन उस वक्त हुआ जी ब्रेक का. ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए. आप देख रहे हैं हार्ड लाइन विद मुद्दस. बहुत अच्छा बोलती हैं आप. वालेकुम अस्सलाम. सोया? वो जिम गई हुई है. ओ ओके. आपकी आज मॉर्निंग ड्यूटी है. आप आयरा को छोड़ दें, बच्चे घर पर ही हैं. आ जाओ आयरा, कम. नो इट्स ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल. चलो आयरा. कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? किस चीज की कमी है? पार्टी में मेरी बीवी का मुलाजमा ज्यादा लगती है. जानबूझ के करती है ना ये सब. मुलाजिम ही तो हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले. अपने साथ चलता फिरता डेकोरेशन पीस ही तो चाहिए था तुम. और क्या कह रहे थे तुम उन जर्नलिस्ट को? कि औरतें अपनी गलियों इदारों में महफूज नहीं, अपने घरों में महफूज नहीं. तुम्हारे घर में महफूज है? बहुत बोलने लगी है तू. बच्चा छोटा है तेरा, लाश नहीं देख पाएगा तेरी. तुम्हारी लाश तो वो रोज देखता है, मेरी भी देख ले. और तुम्हें क्या लगता, तुम जिंदा हो? हद में रहे अपनी. वार्न कर रहा हूं. हाय 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 हाय, इतनी दूर से चलती हुई आती हो, थक नहीं जाती? आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ. शुक्रिया अनवर भाई, कोई जरूरत नहीं है. भाई ये जो छुरी की तरह चुप तो है ना तुम्हारा भाई,
ना किया करो, ऐसे बहुत कमजोर दिल है मेरा। तो छुरी निकाल के अपने भेजे में घुसा ले, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ाया दानिया, फिर भूल गई, बैग में रखा करो। तुम्हारे नाम से? हाँ, मेरे नाम से लॉन्च करते हैं ना, 50-50 की पार्टनरशिप होगी। तुम्हें वैसे ही पैसों से मतलब है? हाँ, मेरे नाम को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे भी आजकल तुम्हारे नाम से लोग ट्रिगर ही हो रहे हैं। जो बात है, WB प्रोडक्शंस, वॉर्नर ब्रदर्स की शानदार कामयाबी के बाद वही बिग सो लेंगे यार। यार वही, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? नॉट एट ऑल, आई मीन बिल्कुल ठीक जवाब दिया तुमने। तो सब ये देखते हैं कि आगे से क्या जवाब आता है। कौन है? काफी चैनल्स वाले बात करना चाह रहे हैं। आई डोंट वांट टू। कैन अंडरस्टैंड यार, कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे? एक्चुअली हाँ यार, इस इशू को लेकर हमारे घर में क्या बात होती है? सच कोई बात नहीं होती। क्यों? आमना आई थी हायरा को यहाँ ड्रॉप करने के लिए। ओके, सो सुहै घर पर नहीं थी तो हमना ने हायरा को मेरे साथ छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। तुम भी ना यार, मैं ऑब्वियसली शी डिडंट वांट टू बॉदर यू विद ऑल दिस। उसने कहा शी इज नॉट कंफर्टेबल विद इट। जाहिर है तुम अकेले थे, कैसे ख्याल रखते हो उसका? उसका ये मतलब होगा तो भी सिली। और मेरी मानो तो ये मीडिया पे ना थोड़ा सा जरा मुंह फाड़ के बात करना शुरू कर दे, चुप रहने का टाइम नहीं है। अच्छा बताइए मुझे, आप क्या सोच रहे हैं, अब क्या करना है? कहाँ जाएंगे हम? बरसों की जमा पूंजी है हमारी। जाओ बीबी, दुआ करो ये वो तुम पे ना आए। कितने लोगों की फैमिली है आपकी? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ऐसे कैसे कोई एक महीने के नोटिस पर हमसे मकान खाली करवा सकता है? हमने कोई पेटिशन लिखा, कोई कंप्लेन किया? आप न्यूज रिपोर्टर कुछ कर सकेंगे हमारे लिए? कोई ऐसे ही हमारी बिल्डिंग गिरा देगा, हम अपने मासूम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सिर्फ इतना करेंगे, नमक मिर्च लगा के अखबार में न्यूज छाप देंगे। तुमसे किसने कहा था बुशरा कि इंक्रोचमेंट पर बात करें या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज लिखे? किसने कहा था तुमसे? किसने मतलब सर, लोगों के घर छिन रहे हैं। व्हाट अबाउट सालार एंड इमान? व्हाट अबाउट देम? सेक्सुअल हरासमेंट आर्टिकल, इंटरव्यू डेट्स, आपने बात करवाई मेरी उनसे? ओ यार बुशरा, जाके लिखे आर्टिकल यार, आपके मोरल का मुझे अचार नहीं डालना है। लोगों के घर टूट रहे टूटे, बिकरे बिके, लाइफ इज टफ। आर्टिकल, आई नीड इट। अरे जाइए, आइए, बताए रिपोर्ट।
सर कहाँ गायब हैं? इतने दिनों के बाद। I've been around. तुम लोगों ने पैंडेमिक को चला के रखा हुआ है। I've literally attended every single event. I guess ठीक कह रहे। इनसे भी पूछे? In fact, इन्हीं से तो पूछना है सब। What did I miss? सालार खान। वो भी कुछ डिस्कस करने वाला टॉपिक है। जानता हूँ उसको काफी अरसे से। क्या पर्सनली, क्या प्रोफेशनली, एक नंबर का चालू आदमी है। In fact, he must be called साला सालार। Seriously? मुझे तो ईमान बहुत पसंद है। वैसे काफी हिम्मत की बात है। What about the details? इतना खुल के अभी सामने कुछ नहीं आया। But I'm sure. He forced himself onto her. He is known for that. तो आप कह रहे हैं कि ये सब पहले भी हो चुका है? Of course. सारी बातें कोई खुल के नहीं बोलता, है ना? Privileged बंदा है। उसके कौन से काम रुक जाने हैं? तो क्या वो अब तक खबरों में है? Fake news. वेलकम, मैं हूँ मोना हैदर और आज हमारे साथ हैं ईमान मंसूर। वेलकम ईमान। थैंक यू मोना। आपका शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ईमान, पूरा मुल्क जानना चाहता है इस केस के बारे में। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे केस कह भी नहीं सकती। एक सच है जिसे सामने लाना जरूरी था। ईमान, एक ब्लॉगर ने आपके बताए हुए राज का इंकशाफ किया और अब पूरी दुनिया सलार अहमद के खिलाफ है। ऐसी बात भी नहीं है, कई लोग मेरे भी खिलाफ हैं। ईमान, आप हरासमेंट को अपने लफ्जों में कैसे बयान करेंगे? सॉरी, आप दोनों एक साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं या शायद उससे भी पहले से, और आपके मुताबिक ये कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ। यू आर अ वेरी स्ट्रांग वुमन ईमान, और काम की भी कोई कमी नहीं है, तो फिर ये सब होने के बावजूद आप उनके साथ क्यों काम करती रहे? शायद इसलिए ताकि मुझ पर सवाल ना उठे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, एंड आई एम श्योर यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट एज वेल, कि यहाँ पे सिर्फ औरत को ही गलत समझा जाता है, इसलिए। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंटेंट और पर्पस भी कोई चीज होती है, और इसके बगैर तो दुनिया में किसी चीज का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सो व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड दिस? माई इंटेंशन, मोना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का इसके अलावा क्या इंटेंशन होगा कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो? बस मोना प्लीज, ये स्क्रिप्ट नहीं है, स्टॉप करो ये सब कुछ। मोना, आर यू लिसनिंग? आर यू डाउटिंग मी मोना? प्रूफ है आपके पास? डू यू हैव एनी प्रूफ? मोना, मुझे मैनेजमेंट से कॉल आ रही है, प्लीज। आई एम ओनली क्वेश्चनिंग यू। जवाब तो आपने देना है। है तो बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, मुझे बताया गया था ये एक टॉक शो है, अदालत है, ये पहले बता देते तो मैं अपनी तैयारी करके आती, जवाब भी देती आपको। आप मेरी बात को गलत ले रही हैं ईमान। एक्सक्यूज मी, आई कांट डू दिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, टीवी स्टार, एक्ट्रेस एंड मॉडल ईमान मंसूर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये सब क्या था मोना? क्या रेटिंग्स नहीं चेक की? हाँ बिल्कुल, सब लोग हमें ही देख रहे थे और अब सब पोज भी रहे हमें। वैसे इसमें औरतों के नजरिए की बात कहाँ थी? फीमेल पर्सपेक्टिव वही था।
और बात हमारे पर्सपेक्टिव की, लोगों के नजरिए की। हाँ, और अब सब लोग यही कह रहे होंगे कि हम सिर्फ सलार खान की फेवर में बोलते हैं। प्लीज अर्जुमन, जो जेन्युइन होगा मैं उसी की साइड पे होंगी। अगर सलार आता तो इससे भी तल्ख सवाल करती मैं उससे। मुझे तुम कभी समझ नहीं आती मोना। खुद को भी नहीं आती। इट्स नॉट योर फॉल्ट। और हाईएस्ट टीआरपीस के लिए एडवांस में मुबारकबाद। इस बार मेरी तस्वीर अच्छी लगाना। आई डोंट लाइक माय डार्क सर्कल्स रिसेंटली। क्रेजी। ईमान, तुमने कोई लीगली केस फाइल किया है क्या? नहीं। तो फिर मीडिया के आगे जाके बात करने की क्या जरूरत थी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अकेले में हुई चीज का सबूत किसके पास होता है? तुम्हें पता है मुझे कितनी कॉल्स आ रही हैं? हाँ, मीडिया वाले अलग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। आप खामोश रहेंगी, उनको कोई जवाब नहीं देंगे। और वो जो रिश्तेदार बातें बना रहे हैं उनका क्या करूं मैं? बात बताने से पहले ये बताएं किन रिश्तेदारों की बात कर रही हैं? वो जिन्होंने हमेशा अब्बा का साथ दिया या वो जिन्होंने हमारे अकेलेपन या हालात का मजाक उड़ाया? और अगर दोनों की बात कर रही हैं तो दोनों मेरे किसी काम के नहीं और उनकी बातें भी मेरे किसी काम के नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी स्टेटमेंट्स। ईमान, ईमान, कोई फायदा नहीं है साइड लेने का। जासिम भाई ने जो एक बात कंफर्म कर दी तो समझो वो सच है। किसका अफेयर नहीं चलता यहाँ पे? तुम में से पता नहीं कितने ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं पर मानते बिल्कुल नहीं है। ओके यार, ओवरबोर्ड मत जाओ। आई एम नॉट गोइंग ओवरबोर्ड। आई एम जस्ट सेइंग सलार इज अ हैंडसम गाय। रिच भी है, हैंडसम भी है और इजी टारगेट भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब साफ साफ हैरेसमेंट को मतलब जानती हो तुम? ईमान ने एक बार नहीं बार बार बोला कि उसके साथ हैरेस किया उसने। तुमसे बड़ा फेमिनिस्ट तो मैं निकला। और तुम तो उसके साथ काम कर रहे हो ना? कर रहा हूँ। तो इसका मतलब गलत को गलत ना बोलूंगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं। वैसे ये आप लोगों के लिए फिक्र की बात है। बात तो हम वेमेन एम्पावरमेंट की करते हैं पर करते उल्टा है। वो आदमी अब तक दंदनाता फिर रहा है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो कब से औरतों की मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ अब तक। बात तो यहां आपकी क्रेडिबिलिटी की है। यास्मीन, अभी तक तो ये केस हमें खुद सही समझ नहीं आ रहा। कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। ईमान का केस क्लियर है और क्या चाहिए आपको? क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा बताओ इन्हें कि किस तरह हम गांव देहातों में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के खिलाफ खड़े रहे हैं। ये आप हमारी हालत देख रहे हैं? और इस बेचारी के तो चल चल के पांव के नाखून टूट गए। हमें और शोर चाहिए यास्मीन। जितना शोर मचेगा हम और शोर करेंगे, वरना ये आवाजें इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में दब कर रह जाएंगी और फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। वैसे आप इस बारे में कुछ लिखती क्यों नहीं है? किस बारे में? यही कि हम किस तरह गांव देहातों में जाकर औरतों की मदद करते हैं। इससे सालार खान के खिलाफ हमारी कैंपेन और मजबूत हो जाएगी।
और आपको लगता है कि आप ये अफोर्ड कर सकती हैं। आप हमें बहुत हल्का ले रही हैं। हम किसी से डरते नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि आप मुझे अफोर्ड कर सकती हैं? मुझे मिलना है इस लड़की से। सर वो इस तरह तो नहीं मिलेंगे आप। कुछ भी करो, उसे का फोन पे बात करें, उसका नंबर ढूंढो। I need some bloody answers. क्योंकि मैं ग्रीन हूं।